हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे पास रियलमी का C2 मॉडल है और दोस्तों ये चलाते वक्त बंद हो गया है और ऑन नहीं हो रहा है। तो आज हम इसको रिपेयर के माध्यम से ठीक करेंगे। तो चलिए हम पहले इसमें चार्जर लगा के देखते हैं क्या प्रॉब्लम दे रहा है या कुछ दे रहा है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक बार चार्जिंग शो हुआ, फिर बंद हो गया, दोबारा ये शो नहीं कर रहा है। तो पहले हम सेट को ओपन करते हैं, तो हम सिम कार्ड इंजेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम सेट को ओपन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा रियलमी का C2 मॉडल है, और पहले हम इसका PCB का जो ऊपर पेंच लगा होता है उसको हम ओपन करेंगे और इसके बाद PCB को रिमूव करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने सारा पेच ओपन कर लिया है। देखिए जो हमारा PCB है, तो पहले हम इसका बैटरी कनेक्टर रिमूव करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे सभी कनेक्टर को बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों हम एक बार बैटरी को टेस्ट कर ले रहे हैं और PCB को भी टेस्ट करेंगे, ताकि हमारा फ़ोन शॉर्ट नहीं रहे। इसके लिए हम मल्टीमीटर को भी बजर पर रख लेंगे और इसके बाद टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा प्लस पॉइंट है ये बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है, और ये जो हमारा ग्राउंड है माइनस पॉइंट, ये तो माइनस बता रहा है, पर ये जो प्लस पॉइंट है ये भी बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है। तो दोस्तों हम एक बार बैटरी को भी टेस्ट करेंगे कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है। तो एक बार और हम टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा PCB जो है बिल्कुल शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है, इसीलिए ये ऑन नहीं हो रहा है। इसके बाद हम बैटरी को टेस्ट करेंगे, तो हम मल्टीमीटर को बैटरी के 20 वोल्ट पे रख लेंगे। इसके बाद हम बैटरी कनेक्टर पे टेस्ट करेंगे हमारा बैटरी कितना वोल्टेज चार्जिंग है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, हमारा बैटरी 4.11 वोल्ट दे रहा है। तो इसके माध्यम से दोस्तों हमारा बैटरी बिल्कुल सही है, हमारा फ़ोन जो है वो बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। तो आज हम इसको रिपेयर के माध्यम से ठीक करेंगे। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर हमारा जो नेटवर्क सेक्शन है यही शॉर्ट होता है, क्योंकि हमने ज़्यादातर रिपेयर किया तो इसमें नेटवर्क सेक्शन ही शॉर्ट होता है। तो हम पहले इसका नेटवर्क सेक्शन ओपन कर ले रहे हैं, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने इसको रिपेयर भी कर लिया है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो हमारे नेटवर्क सेक्शन के ऊपर लगा होता है, ये हमने इसको रिमूव किया है। और दोस्तों देखिए, इसका प्रॉब्लम जो था यहाँ पे, देखिए ऊपर यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा हुआ था, रुक जाइए हम आपको। हाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से हमने दो कैपेसिटर रिमूव किया है। यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा था और ये दोनों फुल शॉर्ट थे, तो हमने उसको सिंपली रिमूव कर दिया है। और अब हम इसका शॉर्टिंग टेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी शॉर्ट है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा माइनस पॉइंट है
देखिए यहाँ पे ये जो हमारा माइनस पॉइंट है ये, और ये जो हमारा प्लस पॉइंट है दोस्तों, देखिए ये बिल्कुल सही हो चुका है, प्लस पॉइंट हमारा माइनस नहीं बता रहा है अब। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको बिल्कुल आसानी से शॉर्ट प्रॉब्लम रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको ऑन करके दिखाते हैं कि हमारा फ़ोन जो है ऑन हो रहा है या नहीं। तो हम इसको असेंबल कर ले रहे हैं, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ऑन करके। तो दोस्तों देखिए हमारा फ़ोन ऑन करने पर रियलमी लोगो शो कर रहा है, और देखते हैं कि ये पूरा ऑन हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है बिल्कुल अच्छे से। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देखिए, हम एक बार और आपको दिखा देते हैं, ये जो नेटवर्क सेक्शन है इसमें यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा होता है, वही दोनों शॉर्ट हो गया था, तो हमने इसको सिंपली रिमूव कर दिया है और बिल्कुल ये फ़ोन प्रॉपरली देखिए यहाँ पे चल रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को